फ्रेंड्स, ये 37,000 ट्रैक्टर ट्रेलर है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो ये स्टॉप लाइट एंड जो बैटरी सिंबल है ये दोनों जल रहा है। चाबी ऑन करने से पहले भी और स्टार्ट करने के बाद भी ये दोनों बत्ती जो है, ये स्टॉप लाइट एंड बैटरी सिंबल, ये दोनों आ रहा है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है देखते हैं भाई। इसमें आप देख सकते हो चाबी बंद किया फिर भी ये स्टॉप लाइट और बैटरी सिंबल रह गया। तो स्टॉप लाइट के बारे में आज बताएंगे कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहे लास्ट तक वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज अनवर सेकंड गोरा जिंग कमिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो में जो मीटर बोर्ड में चाबी ऑन किए बिना ये मीटर बोर्ड में स्टॉप लाइट एंड बैटरी सिंबल का बत्ती जल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में बताएंगे इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है। और इससे पहले स्टॉप लाइट के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स में हम बता देते हैं, मेरे को जो मिला है स्टॉप लाइट के ऊपर प्रॉब्लम, तो एक बार सब एक एक करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लाइट फर्स्ट ऑफ जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तब एक बार स्टॉप लाइट आएगा। गाड़ी स्टार्ट सपोज ECM का जो बैटरी सप्लाई है 1-3-5 नंबर जो पिन है उसमें बैटरी सप्लाई नहीं जाएगा तो ये स्टॉप लाइट आएगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लाइट जो आपका ये ECM का बैटरी का जो फ्यूज़ है, बैटरी सप्लाई का फ्यूज़, वो कटने के वजह से ये जो स्टॉप लाइट आता है तब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद जो स्टॉप लाइट आता है भाई, तो एक्सीलेटर पैडल लाइन जो है, एक्सीलेटर पैडल में फॉल्ट कोड आएगा, चाहे वायरिंग में डिस्टर्ब होगा, चाहे एक्सीलेटर पैडल में डिस्टर्ब होगा, चाहे एक्सीलेटर के वायरिंग में जो ECM जो है ECM का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये एक्सीलेटर पैडल का जो फॉल्ट कोड है 132-131 ये दोनों कोड आता है, तो इसके ऊपर भी 100 जो स्टॉप लाइट आता है भाई। तो ये हो गया स्टॉप लाइट के जो एक्सीलेटर पैडल के ऊपर। तो एक्सीलेटर लाइन में तो आपको देखना पड़ेगा वायरिंग वगैरह ये सब। तो ये हो गया दूसरा स्टॉप लाइट। और भी आता है जो जैसा 598 एक फॉल्ट कोड है 598 जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम के ऊपर, ये जो सप्लाई वोल्टेज जो है ECM का बैटरी सप्लाई जो है वो 12 वोल्ट मिलेगा तब भी ये स्टॉप लाइट आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉप लाइट 12 वोल्ट का बैटरी कोई मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन ऐसा करता है लोकल में, जो 24 वोल्ट का वायर, बैटरी सप्लाई का वायर, ये चार्जर का वायर, चार्जिंग 12 वोल्ट सिस्टम का वायर जोड़ के 12 वोल्ट में ये जोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है गलती। तो फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट से जोड़ने से गाड़ी स्टार्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ये जो 598 फॉल्ट कोड एक्टिव में आ जाता है। और इससे पहले 598 कोड के पहले जो 1682 कोड DF डोजिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम जो ये 598 बाद में आता है और इससे पहले 1682 आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉप लाइट 598 के कारण आता है, तो उसके जो 1682 कोड आएगा तो आपको तो पता है 1682 किसका कोड है, DF डोजिंग इनपुट लाइन्स का, तो ये आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, और भी आता है इंजन कैमशाफ्ट के कुछ फॉल्ट कोड के ऊपर ये जो स्टॉप लाइट काउंट में मिलता है। तो ये मेरे को नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा मिला है, तो आपको और भी कुछ पता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम फिर इस वीडियो में दिखाएंगे इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहे और वीडियो को अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक करना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नया नया जानकारी हम लाते रहेंगे फ्रेंड्स। सो देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ब्लू कपलर का कवर हटाया और इसमें सप्लाई चेक किया तो सप्लाई सब ठीक ठाक आ रहा है। और ये बैटरी सिंबल का वायर है। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी सिंबल का वायर है, हरा पे सादा पट्टी जो है ये। तो फिर भी हम एक तरीके से चेक करेंगे इस मीटर बोर्ड के, तो आप देखते रहे फ्रेंड्स। ये जो है मेन कपलर हटा लिया, ये मेन कपलर जो ब्लू कलर का कपलर है, तो इसमें सिर्फ जो 4 नंबर पिन में जो बैटरी सप्लाई आता है और ये जो यहाँ पर 2 नंबर पिन इस तरफ इस साइड से 2 नंबर पिन जो है, 2 नंबर पिन में हम ग्राउंड देके देखेंगे मीटर बोर्ड का कंडीशन क्या है। तो देखते हैं,
मीटर बोर्ड का हाँ चेन नंबर ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये सिर्फ मेन जो लाइन जो बैटरी सप्लाई है और ग्राउंड कनेक्शन देने से आप देख सकते हो स्टॉप लाइट और बैटरी सिंबल ये दोनों जलने लगा है। इसका देख सकते हो कोई कपलर लगाया नहीं, तो इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लस्टर मीटर में ही प्रॉब्लम है। ठीक है आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स आपने देखा इसमें जो मीटर बोर्ड का ही प्रॉब्लम है। जैसे चेक किया तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास तो मीटर बोर्ड नहीं था, तो इसी के कारण जो ऐसे अपना दिमाग से चेक किया जो ऐसे चाबी ऑफ कंडीशन में आ रहा है, मतलब ये बैटरी सप्लाई का कोई गड़बड़ी हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा से ज़्यादा कभी ये शॉर्ट सर्किट, जब कोई फ्यूज़ उड़ता है रनिंग में गाड़ी बंद हो जाता है तब ये फ्यूज शॉर्ट सर्किट होता है, तब ये मीटर बोर्ड का जो अंदर ये सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा बहुत गाड़ी मिला है जो ये इस गाड़ी में तो सिर्फ स्टॉप लाइट और जो बैटरी सिंबल जल रहा है, और भी कुछ कुछ गाड़ी में मिला है जो जब रनिंग में गाड़ी चल रहा है और गाड़ी फ्यूज मेन फ्यूज उड़ के शॉर्ट हो के गाड़ी बंद हो गया। तो ऐसा उसके बाद ये जो फ्यूज लगाया, फ्यूज लगाने के बाद ड्राइवर गाड़ी तो स्टार्ट कर लिया, फिर भी फिर मेरे पास लेके आया तो देखा जो ऐसा, तो इसमें तो दो बत्ती जल रहा है लेकिन और कुछ कुछ गाड़ी में मिला है वाटर सेपरेटर का बत्ती, चेक लाइट, एमआई लाइट, सब बत्ती जलता है ऐसा चाबी ऑफ कंडीशन में ही। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण मीटर बोर्ड में फायरिंग हो गया है, तो इसी के कारण ये स्टॉप लाइट और बैटरी सिंबल इस गाड़ी में आ रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नए नए जानकारी लाते रहेंगे फ्रेंड्स। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।